हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। अब यहाँ पे हमारे को रैशनल नंबर दिए हैं कुछ, उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बताने। कितने? 4 रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट मतलब या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल में आ जाएंगे नंबर, ढंग से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को ही, क्योंकि अगर 1 से करेंगे तो नंबर चेंज नहीं होगा। तो 2 से कर दिया तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या आ गया इक्विवेलेंट, माइनस का 4/14। अब नेक्स्ट 2 की जगह हम 3 से कर देते हैं तो माइनस का 2/7 है मल्टीप्लाइड बाय 3। तो नेक्स्ट आ गया माइनस का 6/21। अब नेक्स्ट 4 से कर देते हैं माइनस का 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 4, माइनस का 8/28। अब नेक्स्ट 5 से कर देते हैं तो माइनस का 2/7 मल्टीप्लाइड 5, माइनस का 10/35। तो कितने भी हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है 5/-3। तो देखिए इसमें तो मैंने 2 से करा, 3 से करा, 4 से करा, 5 से करा। अब यहाँ एक दूसरा तरीका देख लेते हैं, 5/-3। तो सबसे पहले तो 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो गया 5 × 2 = 10/-3। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया ये 10 − 3 नहीं, 2 × 3 = 6। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसी को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 20/-12। तो नेक्स्ट रैशनल नंबर हो गया 20/-12। फिर अगेन इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 40/-24। ये भी इसका इक्विवेलेंट हो गया। फिर अगेन इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 80/-48। तो ये चारों क्या हो गए, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप 2 से कर रहे हैं, फिर अगेन 2 से कर रहे हैं, या 2 से करके फिर 3 से कर रहे हैं, बट जो भी आप ऑपरेशन करें वो ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन माना जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 4/9। सेम 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 = 8, 9 × 2 = 18। अब इसको 3 से कर दिया हमने, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 का 4 कैरी ओवर 2, 3 × 3 = 154। अब अगेन इसे 2 से कर दिया, अभी 3 से करा था, अब फिर से 2 से कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ऊपर नीचे सेम फिगर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसे 2 से कर दिया और डिनोमिनेटर को 3 से, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया 48/108। कितने नंबर्स हमने ले लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और कितने चाहिए हमें, 4। तो अब इसके लिए अगेन इसे 2 से कर दिया तो ये हो गया 2 × 8 = 16 का 6 कैरी ओवर 1, 2 × 4 = 4, 8 × 1 = 96 और 2 × 1 = 6। ये हमारा इसका 4th इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।